ma'am for inviting me. Am I audible? Yes, ma'am, perfect. Thank you so much. Good morning, morning champions. नाम शेफाली त्यागी है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और आज आपको बताने वाली हूँ हमारे मोदी केयर में जो वेल कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट्स कितने शानदार है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो वेल रेंज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एग्रीकल्चरल रेंज के बारे में। हमारे पास पांच ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यानी एक्टिवेटर्स हैं जो खेती में इस्तेमाल होते हैं, और अगर हमारी खेती जो है खेती के एंड से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो अनाज हम खा रहे हैं, जो चावल हम खा रहे हैं, जो दालें हम खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक होने स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आज सबसे पहले हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं एक प्रोडक्ट ले रही हूँ, ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्टिवेटी है, इसका प्रिंट थोड़ा हट गया है और इसका अपना कोई भी रोल नहीं है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे दो ग्लासेस लिए हैं और दोनों ग्लास में मैंने पानी लिया है। हम अपने खेतों में जब फसल उगाते हैं तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पानी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें पता है पानी की जो प्रकृति है वो 60-40 की होती है। 60% जो है वो जमीन के अंदर जाती है और 40% हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो निचली सतह तक, लेयर्स तक अच्छे तरीके से जमीन को खोल नहीं पाता है, उसकी निचली सतह तक मॉइस्चर नहीं बना पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीज भी खराब हो जाते हैं और बहुत सारा खाद इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, कुछ आर्टिफिशियल यूरिया भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो 100% न्यूट्रिशन हमारे लिए नहीं लेके आता है। अगर एक खेत में मैं नॉर्मल पानी डालती हूँ और दूसरे खेत में मैं एक्टिवेटर की कुछ ड्रॉप डाल रही हूँ, वैसे एक एकड़ जमीन में ये 500 मिलीलीटर इस्तेमाल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने एक में एक्टिवेटर इस्तेमाल किया, एक में नॉर्मल पानी है, और जमीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये कुछ कार्ड पेपर यूज किए हैं, दो कार्ड पेपर यूज किए, क्योंकि इसमें जो है वो लेयर्स बनी हुई है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ ये किस तरीके से लेयर्स पे काम करता है। कुछ सेकंड के लिए मैं इसको इसमें डिप कर रही हूँ, और आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा बहुत सारे इलाके हैं इंडिया के अंदर भी जहाँ पे जो है पानी की बड़ी समस्या है और लोगों को डीजल से खेती करनी पड़ती है, और आपको पता है डीजल से खेती करने का मतलब बहुत महंगा, और कई इलाकों में तो पानी भी इतना ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है कि पानी भी महंगा पड़ता है एक किसान को। मुझे इसको डिपा और जिस नॉर्मल पानी था मैं उस कार्ड पेपर को जो है टेयर करके दिखाऊंगी, यानी उसकी लेयर्स को खोलने की कोशिश करूंगी और आपको दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि ये इजीली टेयर नहीं हो रहा है, और अगर ये टेयर हो भी रहा है तो ये अंदर से बिल्कुल सूखा है, इसमें मॉइस्चर नहीं बना, पानी जो है जैसे कि उसका एक्टिविटी का काम जो होता है वो इतना जल्दी नहीं वो मॉइस्चर बना पाता है, इतना जल्दी वो नहीं सोख कर पाता है। दूसरी तरफ जिसमें मैंने एक्टिविटी को इस्तेमाल किया है उसकी लेयर्स को मैं आपको सेपरेट करके दिखाना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि ये बहुत इजीली बहुत स्मूथली जो है अलग हो चुकी है, इसमें किसी तरीके का आप देखेंगे ड्राइनेस नहीं है, मॉइस्चर बना हुआ है, और कुछ ही सेकंड, दोनों के लिए मैंने कुछ ही सेकंड का इस्तेमाल किया। ठीक इसी तरीके से जब एक्टिव 80 हम पानी में डालते हैं तो वो हमारी जमीन की पांचों लेयर्स को खोल देता है, उसमें मॉइस्चर बना के रखता है, और जब उसमें कोई फसल बोई जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें बीज जो है वो मरता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फसल होती है, और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप ऑर्गेनिक खाद से भी, जो देसी खाद जिसे कहते हैं, जो गाय के गोबर और फसलों से तैयार किया जाता है, उससे भी आप अपनी खेती कर सकते हैं।